नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गुजरात हिमाचल चुनावों में बीजेपी की जीत पर पार्टी कार्यकर्ता जहां जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्कर ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बता दें कि गुजरात हिमाचल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस वर्कर ने ईवीएम को रुठा हुआ बताया। ईवीएम को मनाने के लिए कांग्रेस वर्कर ने पहले माला पहनाई, फिर ढोलकर बजाकर आरती उतारी। कांग्रेस वर्कर ने कहा, गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस हार गई है जबकि ईवीएम जीत गई है। गुजरात की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन मोदी और ईवीएम ने धोखा दिया। प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस वर्कर अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, उस पर कुछ इस तरह के स्लोगन लिखे थे, मोदी जी का जैक, ईवीएम हैक। वहीं दूसरे वर्कर के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, हैक हुई ईवीएम मैया, तुम्हें बचाऊं कैसे। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आए। बीजेपी 99 सीट पर चुनाव जीता है। गुजरात में सरकार बनाने के लिए उसे 92 सीटों की जरूरत है। इस हिसाब से गुजरात में बीजेपी की सरकार बन गई है। वहीं हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन रही है।